अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो वी वर डन विद दीज थ्री क्वेश्चंस। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500, ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन सेज दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 15,500। दैट मीन्स हमने कोई भी आर्टिकल लिया एट दिस रेट, उसके बाद वी स्पेंड 450 ऑन इट्स रिपेयर। मे बी जो आर्टिकल बाय किया हुआ है, मे बी दैट कैन बी अ सेकेंड हैंड आइटम, ओके। तो फिर हमने 450 उसके रिपेयर में लगाई, तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस हमें मिलेगा दैट विल बी द सम ऑफ दिस। तो कॉस्ट प्राइस पता चल गया और ये बताया गया है कि प्रॉफिट उसमें इतना हो रहा है, तो हमें इससे सेलिंग प्राइस निकालना है। सो जस्ट सी, the cost of an article is 15,500. the overhead expenses, that means जो उसके cost price के अलावा जो उस पर खर्चा आया, that is ₹40. therefore total cost price will be ₹15,500 plus 450, that is ₹15,950. now the profit is 15%, और मैंने ये बात कल बताई थी, profit हो loss हो that is always on the cost price, ओके। सो दो ये प्रॉफिट है, दैट इज 15% ऑफ दिस 15,950, क्योंकि अब जो मेरी कॉस्ट प्राइस है दैट इज दिस, ओके। सो इट विल बी 15/100 इंटू 15950, दिस जीरो एंड जीरो विल गेट कैंसल्ड आउट एंड 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। सो हियर द आंसर इज 4785/2 विच कम्स आउट टू बी 2392.50। सो द प्रॉफिट इज दिस। सी, अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, ओके। सो सीपी इज 15950 प्लस 2392.50 एंड द आंसर इज 18342.50। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। दैट मीन्स हमने एक वीसीआर खरीदा है और एक टीवी खरीदा है, दोनों की मतलब कीमत 8,000 है, ओके। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4%। जो शॉपकीपर था उसने, जब उसने हमें ये बेचा 8,000 का, उसमें उसको लॉस हो गया 4% और टीवी में उसको प्रॉफिट हो गया 8%। जो टोटल गेन या लॉस है वो हमें फाइंड आउट करना है, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस इज अ क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे इसको बाइफरकेट कर लिया। यू कैन जस्ट डू वीसीआर यहाँ लिख सकते हो, आफ्टर दैट टीवी लिख सकते हो। अब मैंने एक ही साथ लिख लिया, तो फॉर वीसीआर द सीपी इज 8,000। एज वी नो लॉस कहा था 4%, सो 4% विल बी ऑन कॉस्ट प्राइस ऑलवेज। सो इट इज 4/100 इंटू 8,000, सो द लॉस इज 2020 कैंसल, विल बी 320। सो सीपी इज 8,000, लॉस इज 320 एंड द सेलिंग प्राइस विल बी, दिस इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, दैट इज 8,000 माइनस 320 एंड द आंसर इज 7680। नाउ फॉर टीवी द कॉस्ट प्राइस इज द सेम, दैट इज 8,000, द प्रॉफिट इज 8% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, सो इट इज 8/100 इंटू 8,000, दैट मीन्स 640 एंड द एसपी विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सो द आंसर इज 8640, ओके। So I'll just find out the total CP. The total CP will be this 8,000 plus 8,000, that means 16,000, and the total SP will be 7680 plus 8640, right? Because दोनों का CP जो होगा that will be the total CP, उनको add करके, and the total selling price that will be the addition of both the SPs, right? So the total SP is 16320. हमने एक चीज पढ़ी है कि पता करना कि हमारा gain हो रहा है या loss हो रहा है, that is done by this. If the selling price is more, we are having a profit, and if the cost price is more, we are having loss. So in this case the selling price is more since SP is greater than CP, so there is a profit. So the overall profit, that is wo kaise niklega, that will always be SP minus CP. The profit is always SP minus CP and the loss is always CP minus SP, okay. So if profit nikalna hai to inko subtract karenge, it is 320, प्रॉफिट निकल गया, बट द क्वेश्चन वॉज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट, सो द प्रॉफिट परसेंट विल बी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 320 अपॉन 16,000 इंटू 100, इट इज 100,
It's not 1,000, it's 100, okay? Two zeros cancel, this zero cancel, it will be 2%. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर स्टूडेंट्स. बस ये चीज ध्यान में रखना है, एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट है, सीपी ज्यादा है तो लॉस है. प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी एंड द लॉस इज सीपी माइनस एसपी एंड द प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 एंड द लॉस परसेंट इज लॉस बाई सीपी इंटू 100. Now the next question here is, during a sale, a shop offered a discount of 10% of the marked price on all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and two shirts marked at 850 each? See, kya ho gaya? For a pair of jeans and for two shirts, marked price was 1450, and for the pair of these shirts, for two shirts, the marked price was 850 each. That means do ke liye it will be 850 into 2, that comes out to be 1700. Okay, so ye marked price hai, MRP. Theek hai, iski MRP ye hai aur iski ye hai. Now the discount that they were offering, that was 10% on each. That means the discount was 10% on the marked price. And for this, the discount was also 10% on the marked price. Kyunki jo marked price hogi usi pe discount milega. So it will be 10 by 100 into this, it is 145. Here it is 10 by 100 into 1700. That comes out to be 170. So discount pata hai, marked price pata hai. So sales price kitni hogi? Obviously wo inko subtract karke hogi. So here it is 1305 and here it is 1530. So total sale price dono ki kitni hogi? Dono ko add kar denge. So that is 2835. So hame kitna pay karna padega? 2835. So students, that's all for today.